सीधा साधा बालक है काम से काम ध्यान रखता है काम जो 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 सरकार ने जो तोड़ फोड़ किया क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते कुछ कर नहीं रहा क्योंकि हमें उस पर भी उसने कुछ नहीं किया उस दिन से कुछ न कुछ तो पता चलते कि लड़के कहाँ है क्या है बात कर हेलो मैम मैम करण बोल रहा हूँ क्या हो पे जा दो दुकान पर चल चलो वही गाड़ी घुमा चल नीचे नीचे चल नीचे चलो हेलो गाइज माई ने सर पे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी मेरी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो गई इट्स ऑल थैंक्स टू यू गाइस मैंने अभी कैमरा नहीं खरीदा आई बॉट अ फोन बट आई थिंक दिस विल डू फॉर नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू थैंक्स एवरीवन जिन्होंने मुझे लास्ट वीक यूपीआई पे डोनेट करा था इट्स नॉट नेसेसरी बट गैन इट रियली हेल्प्स मी आउट अ लॉट गाइस एन आप लोग मुझे यूपीआई के थ्रू केस रिकमेंड कर सकते हो so, yeah। जो आज का केस है वो मेरे स्टेट का ही है एक्चुअली ये मेरे से बहुत ज्यादा पास में हुआ था And दो दिन पहले जब मैं सब्जी लेने गया था तो मुझे बाहर पे इसकी रैली भी दिखी थी जब भी मैं इन केसेस के बारे में पढ़ता हूँ तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इतने खूंकार लोग हमारे उत्तराखंड में भी होंगे पर सच्चाई ये है की देर इज ईवल एवरीवेर ये एक ऐसा केस है जिसमें पोलिटिकल पावर और मीडिया के पावर के बीच में लड़ाई एंड ये केस ये चीज साफ दिखाता है कि कैसे पॉलिटिशियंस अभी भी एकदम अनटचचेबल है सो लेट लर्न अल मोर अबाउट टूडेस

2003 उत्तराखंड अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुई वीरेंद्र भंडारी की बेटी थी बहुत सिंपल सा परिवार था उनका एंड वीरेंद्र जी इस पूरे घर को चलाते थे अंकिता के पापा एक लोकल वर्कर थे एंड उनकी मदर आंगनवाड़ी में काम करती थी अंकिता बचपन से ही काफी सिंपल और काफी इंटेलिजेंट लड़की थी उसने अपना ट्वेल्थ कॉमर्स स्ट्रीम एटी से क्लियर करी थी एंड शी पास आउट फ्रॉम बी मॉडर्न स्कूल जो की पौड़ी में ही है आफ्टर स्कूल वॉज होगा शिव सेट ऑन हेल्पिंग हर फैमिली उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना था एंड उसे अपने घर में मदद करनी थी एक्चुअली अंकिता को होटल मैनेजमेंट करनी थी जितने भी गढ़वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है कि हमारे यहाँ होटल मैनेजमेंट की कितनी इज्जत अगर इंजीनियरिंग नहीं हुई यहाँ तो बच्चे को एचएम एम करा के दुबई भेज दो सच बात बोलो तो यही चलता है इधर पर यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि अंकिता को खुद से एचएम करना था एंड उसके घर वाले मान गए थे इस बात के लिए सो हर पेरेंट्स एनरोल्ड हर इन एच एम डिप्लोमा कोर्स एंड उसने ये डिप्लोमा 2019 में खत्म कर दिया था अंकिता को फर्दर स्टडीज करने से पहले थोड़ा काम करना था पर तब तक ट्वेंटी शुरू हो गया था एंड एम श्योर तुम्हें पता ही होगा 2020 में क्या हुआ था so she waited सभी की तरह कब यह महामारी खत्म 2019 से now we fast forward to 20 August 2022। अंकिता को अपनी पढ़ाई के लिए पैसे बचाने थे And दो साल से घर में बैठने के बाद अंकिता को अब घर से बाहर निकलना था तो उसने की जॉब्स ढूंढी लुकिंग फॉर बिग पोस्ट यू नो क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था उस पर ऐसा एंट्री लेवल पर वॉटर तो अपने एक दोस्त से अंकिता को एच से रिलेटेड जॉब पोस्ट के बारे में पता चला जो कि यहीं उत्तराखंड में ही था उसके दोस्त ने उसे बताया कि ऋषिकेश के पास में एक नया रिजॉर्ट खुला है एंड वहां पर कुछ जॉब्स अवेलेबल है तू अप्लाई कर ले ये रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर था एनी ट्वेंटी था पर यहां एक प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम यह थी कि मेन रोड या हाईवे से काफी अंदर था जंगल में विच लेट टू तो लूज इन टच विद नेबरिंग तो उन्नीस साल का होने के बाद भी अंकिता ने इस रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करा उसकी ये स्क्रीनिंग कर रहे थे इस रिजॉर्ट के मालिक एंड बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या एंड पुलकित आर्या ने उसे ये जॉब दे दी एंड अंकिता को उसी दिन काम पे बुला दिया शी वॉज हैप्पी मिनिमम पे वेजेस थी विदाउट एनी ओवर टाइम ऑन एनी थिंग तो अंकिता को भी लगा इतने काम के लिए इतने पैसे ठीक हैं एंड ऊपर से उसे एक्सपीरियंस मिल रहा था तो पौड़ी से अपना सामान लेकर अंकिता ऋषिकेश से थोड़ा दूर में चले गई तो अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये रिजॉर्ट हाईवे से दूर जंगल के अंदर था तो अंकिता अब चाह कर भी अपने लिए कमरा नहीं ले सकती थी तो इस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित ने यह सजेस्ट करा कि ज्यादातर टाइम तो रिजॉर्ट भरा नहीं रहता है एक दो हाई प्रोफाइल लोग यहाँ आते जाते रहते हैं तो तुम रिसेप्शन के बगल वाला कमरा लेकर वही सो जाना अंकिता के पास अब और कोई चॉइस थी भी नहीं वो जंगल में अपने लिए तो तो हाँ well एक नई जॉब मिली है तुम अपने घर से बाहर निकल गए हो तुम्हारा जो ओनर है वो तुम्हारी मदद कर रहा है पर अंकिता को पुलकित के असली इंटेंशन अभी पता नहीं थे एंड अंकिता को ये अभी पता नहीं था कि उसके भोले होने का पुलकित पूरा फायदा उठाना चाहता है एटीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी रिजोर्ट में काम करते हुए अंकिता को बीस दिन हो चुके थे एवरीथिंग नॉर्मल एंड अंकिता को ज्यादा कुछ परेशानी काम पर नहीं आ रही थी वो उस के के स्टाफ के साथ अच्छे से घुल मिल रही थी एंड वनंतरा के जो शेफ थे उन्होंने 18 सितंबर को अंकिता को आखिरी बार साढ़े तीन बजे देखा था बिफोर शी टोल्ड हिम शी हैड टू लीव दैट डे इट अ नॉर्मल डे ओनली बट शेफ के अकॉर्डिंग अंकिता उस दिन बहुत गुस्से में थी बात करने पे अंकिता ने उसे बताया कि कुछ दिनों से उसकी पुलकित के साथ लड़ाई हो रही है पर वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई और पुलकित को रिजॉर्ट में आता हुआ देख कर, वो चुप हो गई दैट द लास्ट टाइम एनीबडी सॉ अंकिता नेक्स्ट डे पुलकित हर बड़ी में अपने दो दोस्तों के साथ पहले तो रिजॉर्ट आया एंड फिर वो अकेले पौड़ी के लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाने गया कि आज सुबह से अंकिता गायब है पुलकित की एग्जैक्ट पुलिस के लिए स्टेटमेंट ये थी शी वॉज इन रिजोर्ट टिल हर वर्किंग आवर्स इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि पुलकित आर्या सुबह कहीं से अपने रिजॉर्ट वापस आया था दो दोस्तों के साथ दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पुलकित आर्या ने जब रिसेप्शन पे अंकिता को नहीं देखा तो वो खुद से रिपोर्ट लिखाने गया पुलिस थाने एंड तीसरी एंड सबसे ज्यादा सैड न्यूज यहाँ पर यह है कि रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस ने इस स्टेटमेंट पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया उस पुलिस स्टेशन में बैठे हुए पटवारी ने इस बात को कि एक अकेली लड़की गायब है उन्होंने इस बात को इतना सीरियस नहीं समझा कि इस पर कोई डिटेक्शन करी जाए या फिर इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन करी जाए रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलकित ने खुद से अंकिता के डैड को कॉल करा कि मैंने उसे यहाँ कल शाम को देखा था लेकिन आज सुबह से वो गायब है मैं अपनी तरफ से अंकिता को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था अब अगर तुम लोगों ने शुरू में वीरेंद्र जी की फोटो देखी थी तो यू गाइज कैन सी दिस थिंग दैट ही इज़ अ ओल्ड मैन तो पहले ये बात सुनकर उनको सच में बिलीव नहीं हुआ पर धीरे धीरे जो ये डिनायल था वो चीज चिंता में कन्वर्ट हो गई तो अंकिता के पेरेंट्स बीस सेप्टेम्बर की रात को पौड़ी से निकले और इक्कीस सेप्टेम्बर को सुबह थाने पहुंच गए थे पुलिस ने दोबारा एक और रिपोर्ट लिखी पर वो फिर से कुछ नहीं कर रही थी एट दीस काइंड ऑफ टाइम्स योर लास्ट होप इज लॉ पर यहाँ पर वीरेंद्र जी के अंकिता की फैमिली को लॉ ही मदद नहीं कर रहा था तो वीरेंद्र जी एंड उनका परिवार काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे कोई उन्हें इधर दौड़ रहा था कोई उन्हें उधर दौड़ा रहा था कोई ने मल्टीपल कॉपीज लाने के लिए बोल रहा था एंड मैं तुम्हें एक और सच बताता हूं हम जो उत्तराखंडी लोग लोग जितने भी गढ़वाली खुमौनी जितने भी लोग रहते हैं उत्तराखंड में हम सब लोग सच में बहुत बोले हैं हम लोग देव भूमि में रहते हैं एंड आई एम प्राउड टू बी हेयर एंड लिव है पर यह बात सच में सच है कि पहाड़ी लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट बहुत ही ज्यादा भोले होते हैं तो पहाड़ी लोग ना वो किसी की बातों में भी आ जाते हैं उनके मन में कोई खोट ही नहीं रहता कभी गलती से गलत काम भी नहीं करेंगे क्योंकि भगवान को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं तो पाप के लिए कहीं कही ना कहीं हमारे अंदर डर बना रहता है तो वीरेंद्र जी के इसी भोलेपन का पुलिस ने भी फायदा उठाया टेंशन उनकी फैमिली को पहले से थी एंड फिर ये लोग उन्हें दौड़ा रहे थे उनकी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था इनफैक्ट उनके वहां होने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था और बेटी अट्ठारह तारीख से गायब थी क्योंकि तो क्योंकि तो क्यों क्यों हमें उस पर भी है। उसने कुछ नहीं किया उस दिन से तो कुछ न कुछ तो पता चलता है क्या है 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 मेरी मम्मी चीज बोलती कि जो भी अच्छे कर्म करता है, उनकी भगवान जरूर मदद करते हैं है अंकिता के के केस में जो मदद आई वो एक दोस्त के रूप में आई अंकिता का एक ऑनलाइन फ्रेंड था जो जम्मू में रहता था वो उससे ऑनलाइन चैट करती थी अपने बारे में अपने दिन के बारे में उससे बताती थी वेरी क्लोज फ्रेंड्स तो वो आपस में सब कुछ शेयर करते थे तो कॉल करना मैसेज करना उनका ये आपस में लगा रहता था तो उसे भी ये अजीब सा लगा कि 18 सितंबर से ना उसका कोई मैसेज आया ना अंकिता का कोई कॉल आया गुड थिंग हेयर वॉज कि अंकिता का ये फ्रेंड अंकिता के डैड को भी जानता था उसने वीरेंद्र जी को कॉल मिलाया एंड कहा कि मेरी लास्ट टाइम अंकिता से बात अट्ठारह सेप्टेम्बर को हुई थी एंड वो उस दिन रो रही थी ना ऑब्वियसली कौन बाप ये बात सुनना चाहेगा द दर्स वॉज यू कम। उसने कहा कि अंकल 18 तारीख से पहले भी अंकिता कुछ परेशान रहती थी आ, मैं आपको प्रूफ के तौर पर डेट के साथ हमारी पुरानी चैट्स भेजता हूं जो ये चैट के स्क्रीनशॉट थे दीज रिवील्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर रीडिंग दीज चैट्स इट वॉज क्लियर कि पुलकित के बिल्कुल भी सही नहीं थे एंड पूरा का स्टाफ पुलकित से खुश नहीं था पुलकित के साथ दो लोग और काम करते थे एंड इस का जो मैनेजर था सौरभ वो कभी कभी स्टाफ में काम करने वाली लड़कियों को मारता भी था रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत गिनोनी हरकत होती थी, थी वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था लड़के आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इस इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी लड़, लड़का लड़कियाँ आते थे ज्यादातर तो उनके साथ भी घुल जाता था स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और वगैरह वगैरह ये ये सब नशे ये सब नशे करता था गेस्ट की दारू चुरा के तो में नाम लगाता था कि इम्प्लॉय ने चुरा ली होगी एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है एम्प्लॉय को मारता है पुलकित के साथ काम करने वाले आदमी अंकित ने अंकिता को फोर्सफुली अपने कमरे में ले जाकर उसे किस कर शी वॉज फीलिंग इनसिक्योर वर्किंग देयर पर क्योंकि उससे भी काम करते हुए एक महीना भी नहीं हुआ था तो वो चुप रही पुलकित ने अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए भी बोला था एंड जब अंकिता ने मना कर दिया तो बात को टालने के लिए उसने कहा कि मैं आपसे ये चीज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ पुलकित था दैट कि दस हजार रुपये देकर गाँव की लड़की शायद मान जाएगी ये सारे काम करने के लिए पर ऐसा कुछ भी नहीं था ये सब होने के कुछ दिन बाद भी अंकिता ने एक दिन अपने स्टाफ को कॉल करा था जब जबरदस्ती पुलकित ने अंकिता को एक गैस के रूम में भेजा था हेलो मैम मैम करण बोल रहा हूँ क्या हो प्लीज बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक चल चलो बैठ घुमा चल नीचे नीचे चल नीचे चल अरे चल ना आ रहे हैं मैम आ रहे दो मिनट <laughs> और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं इस चैट में बट आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गेट द पॉइंट ये सब पढ़ने के बाद वीरेंद्र जी ने सामने से लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में विद एविडेंस उन्होंने एविडेंस के साथ पुलकित के अगेंस्ट एक एफ लिखवाई बट पुलिस स्टिल स्टेड क्वाइट विरोध आर्या का बेटा पुलकित आर्या ऑब्वियसली बीजेपी पार्टी से है तो पुलिस ने एफ लिखी तो थी पर उसके बाद उन्होंने कुछ करा नहीं एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग इन इंडिया हमारे यहाँ कितने ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक पॉलिटिशियन या फिर पॉलिटिशियन का बेटा अपने आप को ज़बरदस्ती लड़कियों पर फोर्स कर देता है उन्हें चुप कराने के लिए उन लड़कियों को मार देता है अंकिता का केस इन सब में से बस एक है पर यह हमें रियालिटी दिखाता है कि पॉलिटिशियन का कितना कंट्रोल होता है हर एक चीज पर पुलकित को पुलिस के थ्रू ये पता चल गया था कि अंकिता का कोई दोस्त जम्मू में रहता है एंड उसने के तौर पर अंकिता के चैट के, तो के दोस्त को कॉल करा एंड सच छुपाने के लिए उसे गैस लाइट हाँ। हाँ तो करता हूँ घंटे में यहाँ स्टेशन में पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में हाँ वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है वो पहुंच रहे हैं अभी दस मिनट आप अभी पुलिस स्टेशन में, वो वो में जाएंगे क्या हाँ रिजॉर्ट में जाएंगे, जाएंगे। पूरा सारा सब देखेंगे सारी चीज सब देखेंगे कहाँ है किसके साथ बात किया क्या नहीं किया डिटेल पूरी निकालेंगे निकालेंगे हिस्ट्री सब सब भाई करना पड़ेगा पुलकित ने अंकिता के दोस्त को कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी कभी अंकिता को कहा ही नहीं था इनफैक्ट मुझे बुरा दिखाने के लिए अंकिता ने खुद ऐसे मैसेज मेरे फोन से खुद को करे थे ही टोल्ड हिम दैट अंकिता गायब हुई थी उस दिन भी पुलकित ने अपना फोन अंकिता को दे दिया था सबसे पहली बात कि अपना फोन कौन देता किसी और को एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि ये पॉलिटिशियन का बेटा है पॉलिटिशियन के बेटे के फोन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो होगा ही तो अपना फोन

जब मैंने आपको फोन किया था ना नौ बजे हाँ जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था जी तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कहा कि कि दे दे उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन और आपने दे दिया भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का अच्छा जी ठीक है चलो कोई बात नहीं रात में मुझे फोन का क्या करना था मेरा फोन तो उसी के पास था रात को हाँ तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने क्या मेरे को फोन नहीं किया फिर भी अच्छा उल्टा मैंने तीन बार किया उन्होंने उठाया नहीं फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए अंकिता फैमिली में से किसी एक ने इस बात पर ऑनलाइन पोस्ट डाला एंड फिर यह पोस्ट काफी स्प्रेड होने लगा लोकल न्यूज चैनल एंड धीरे धीरे बड़े न्यूज चैनल भी इस चीज पर आवाज उठाने लगे पर जब विनोद आर्या जी ये पॉलिटिशियन जिनके बेटे के अगेंस्ट एविडेंसेस थे जब ये पॉलिटिशियन चौकी आए तो उन्हें अंदर फैन के नीचे बैठाया गया एंड उन्हें चाय पिलाई गई मीन वाइल अंकिता के डैड पांच घंटे से इधर उधर घूम रहे हैं अपील कर रहे हैं नथिंग हैपनिंग इन पुलिस चौकी पर सोशल मीडिया पर बात अलग थी। मीडिया पर बात बढ़ रही थी उत्तराखंड की बेटी गायब है और पुलिस नेताजी का साथ दे रही है वीरेंद्र जी फीलिंग क्लूलेस एंड हेल्पलेस वो इन सब के बीच में डीएम के पास गए एंड वीरेंद्र जी ने उन्हें सब कुछ बताया क्योंकि अब मीडिया से प्रेशर बढ़ रहा था तो डीएम ने पुलिस स्टेशन कॉल करा और कहा कि जल्द ही इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो ट्वेंटी कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई पर पुलिस की लापरवाही से तंग आकर मीडिया एंड उत्तराखंड की जो आम जनता है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तारीख को को पुलिस पुलिस ने फोर्सफुली जबरदस्ती पुलकित आर्या को अरेस्ट करना पड़ा एंड जब वो लोग पुलकित को स्टेशन लेकर आ रहे थे तो वहां के लोकल का गुस्सा सर से पार हो गया था एंड उन लोगों ने पुलकित और अंकित दोनों को पुलिस के कार के अंदर ही मारना शुरू कर दिया पुलकित की पिटाई के बाद उससे पूछताछ शुरू हुई और नाम बाहर आने शुरू हुए का मैनेजर और इस रिजॉर्ट का एक और स्टाफ मेंबर 18 तारीख से गायब थे इन दोनों को ही पुलिस ने पकड़ लिया था सो पुलकित आर्या सौरभ भास्कर एन अंकित गुप्ता इन तीनों का अंकिता के गायब होने से कुछ ना कुछ लेना देना था पुलिस ने नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए इन तीनों से सीधा सख्ती से बात करी पर लोकल लोगों से पिटने के बाद पुलिस को ज्यादा सख्ती भी नहीं दिखानी पड़ी ऑल थ्री ऑफ देम फाइनली एडमिटेड टू वॉट है अंकिता कई दिनों से पुलकित से नाराज थी पहले तो स्पेशल सर्विसेज की बात पर एंड फिर जब अंकित ने अंकिता को किस करना चाहा उस बात पर तो पुलकित ने यह सजेस्ट करा कि अंकिता का मूड ठीक करने के लिए इसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाकर आते हैं पुलकित और अंकिता अपनी बाइक पर और सौरा बार अंकित अपनी एक स्कूटी पर ऋषिकेश से थोड़ा दूर चले गए एंड ऑल थ्री ऑफ देम वेंट टू चिल्ला बैराज चिल्ला बैराज में काफी लोग वॉक्स के लिए भी जाते हैं एनाज का तो उधर व्यू अच्छा होने की वजह से काफी लोग वहाँ घूमने भी आते हैं तो अंकिता ने भी कहा ठीक है हम लोग भी चल लेते हैं एस सुन एज दे ईज देयर रोड के साइड पर ही तीनों पुलकित सौरभ और अंकित ने दारू पीना शुरू कर दिया अंकिता को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तो इस चीज पर उनका दोबारा झगड़ा शुरू हो गया था अंकिता ने पुलकित को कहा कि मुझे वापस छोड़ दो और अब से ऐसी कोई भी हरकत मत करना वरना मैं तुम्हारा पूरा राज सबके सामने खोल दूंगी एंड राज से अंकिता का मतलब था इस रिजॉर्ट में होने वाले स्पेशल सर्विसेज के लिए अंकिता को यह पता चल गया था स्पेशल सर्विसेज इस में काफी टाइम से होती हुई आ रही है एंड इन सब में इन तीनों का ही हाथ है ये बात सुनकर तीनों को गुस्सा आ गया एंड क्योंकि ये लोग डैम के पास खड़े हुए थे तो उन्होंने गुस्से में आकर अंकिता को पकड़ा और डैम में फेंक दिया नशे में रेज में आकर उन्होंने ये कर तो दिया था पर अंकिता डैम में गिरने के बाद भी जिंदा थी एंड वो चिल्लाई भी थी हेल्प के लिए पर जैसे ही चीख सुनकर ये लोग सेंसे में आए इन्हें डर लग गया एंड ये तीनों वहां से भाग गए

वो सीधा वहाँ चले गए पुलिस लोग वहाँ चले तो गए थे पर डैम की तरफ बारिश की वजह से पानी काफी ज्यादा बढ़ गया था तो इस वजह से उन्हें वहाँ कोई बॉडी मिली नहीं पुलिस ने डैम का पानी जैसे-तैसे कम करा एंड फाइनली 24 सितंबर को अंकिता की बॉडी इस डैम से 8 किलोमीटर दूर मिली आफ्टर ऑल ऑफ दिस वाज डन मॉब वाज एनरेज चीफ मिनिस्टर के कहने पर वनंतरा रिसोर्ट को तोड़ दिया गया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि यह डिमोलिशन एविडेंस छुपाने के लिए करा गया है ताकि इस रिजॉर्ट के अंदर बचे हुए एविडेंस पुलकित को लंबी सजा न दे बाहर से खुद को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने कहा कि हमने इलीगल बने हुए रिजॉर्ट को गिरा दिया है पर असलियत तो यह है कि इस रिजॉर्ट से सारे एविडेंसेस अभी कलेक्ट करे ही नहीं गए थे हाँ जो ये सरकार ने जो बनता रिजॉर्ट तोड़ फोड़ किया ये क्यों किया क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते वहाँ से तो एक तो ये मेरी मांग है दूसरी मांग है कि लड़की का देश सरकार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी और अगर सजा की बात करें तो हम ब्रिटिश और के दिनों को उम्र कैद सजा ही होगी पर जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा यहाँ उत्तराखंड में रैलीज हो रही है एंड एवरीबडीम टू बी हैंग बट वी विल हैव टू वेट एंड सी की उत्तराखंड पुलिस इस चीज पर क्या करती है ये यह केस यहाँ पर समाप्त तो नहीं होता है पर अभी के लिए हमारे पास सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जिसमें भोली लड़कियों का फायदा उठाया जाता है मैंने ऐसे केसेस मूवी में बहुत बार देखे पर जब अपने ही स्टेट में मुझे ऐसा कुछ होते हुए दिखा तो इट वॉज रियली अ स्लैप ऑन माई फेस स्लैप ऑफ रियलिटी की कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है इस दुनिया में पर जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है थैंकफुली अंकिता का दोस्त सामने आया है इस केस में अगर सच में एक कॉल रिकॉर्ड या स्क्रीन शॉट सामने नहीं आते तो पुलकित पक्का खुला घूम रहा हो ये तो हुआ केस की बात पर इन सब के बीच में एक बहुत ज़्यादा फनी चीज़ हुई पुलकित अपना सच एक्सेप्ट कर रहा था तो विनोद आर्या पुलकित की साइड ले रहे थे विनोद जी अपना अलग ही मस्त मीडिया में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो मीडिया से ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही इज अ वेरी गुड बॉय पुलकित आर्य मेरा बेटा था लेकिन काफी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं और हमने ये तय किया कि जब तक जाँच पूरी ना हो और हमारे पद का दुरुपयोग ना हो इस कारण से मैंने कल जो है वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदोसर त्याग पत्र दे दिया है लेकिन लगता है कि नहीं 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 ऐसी कोई हरकत कभी को कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन जो भी जांच में उसमें आएगा हम उस पर सही करेंगे पूरा पहले भी ये बीएमएस में मुन्ना भाई बनके अपनी जगह किसी दूसरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वो भी इसी तरह का मामला है ऐसी कोई बात नहीं है कीड़ा जड़ी को भी को भी वो नहीं नहीं भाई साहब देखो, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई वो सीधा साधा बालक है अपनी काम से काम ध्यान रखता है बिजनेस अपना काम है उसका फ्यूचर का कुछ नहीं पता ये भी साबित हो सकता है कोर्ट में कि हवा के झोंके से पुलकित के वहाँ पे खड़े होने की वजह से अंकिता वहाँ के बट या दैस अबाउ इट फॉर दिस केस बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं देन प्लीज़ डोनेट टू मी थ्रू यू पी ऑल द मनी दट आई गट फ्राम यू पी आई इज गोइंग स्ट्रेट टू माई अगर आपको मुझे ज़्यादा ही सपोर्ट दिखाना है दैन ड्रॉप अ लाइक एंड टर्न ऑन पोस्ट नोटिफिकेशलिया आई होपो दट यू लर्न समथिंग हेर वायल स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी टेक केयर ऑफ येल्फ गाइज कीप योर लव बज वेरी क्लोज टू यू एंड आई विज सी यू वेरी वेरी सॉन बाय बाय